कोर कोड क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं ए से लेके जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके साथ जो शॉर्टकट कीज़ हम यूज़ करते हैं, आज हम वो सारी शॉर्टकट कीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो शॉर्टकट की आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम जब भी कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो वो बेसिकली कहता है सेलेक्ट ऑल, मींस कि वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए यूज़ करते हैं। कंट्रोल बी बेसिकली यूज़ होता है बोल्ड के लिए, यानी किसी भी जब एमएस वर्ड में जैसे आप काम कर रहे हो और टाइपिंग करें तो उसमें किसी भी कंटेंट को आपको बोल्ड करना हो तो हम कंट्रोल बी यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ करा जाता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल डी ये डुप्लीकेट करता है, जैसे एमएस वर्ड में आपने कोई शेप बनाया है और उसी के सेम शेप आपको बनाना है तो शेप को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो उसका डुप्लीकेट शेप क्रिएट कर देगा, या अगर कोई भी शेप सेलेक्टेड नहीं होगा तो वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, कंट्रोल डी। इसके बाद है कंट्रोल ई, जो सेंटर अलाइन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पैराग्राफ आप लिख रहे होते हैं तो उसमें कंट्रोल ई सेंटर अलाइन उसको पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करता है। कंट्रोल एफ जब हम यूज़ करते हैं तो ये फाइंड के लिए हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड करते हैं, हम किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो तो हम कंट्रोल एफ यूज़ करते हैं, इससे आपका फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाता है। कंट्रोल जी हम यूज़ करते हैं गो टू के लिए, किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर पर जाना हो तो हमारा फाइंड रिप्लेस गो टू वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहाँ से हम किसी भी लाइन नंबर पर डायरेक्टली या पैराग्राफ या पेज नंबर पर मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एच हम यूज़ करते हैं रिप्लेस करने के लिए, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को किसी पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस के साथ अगर हमें रिप्लेस करना हो तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एच, जो यूज़ होती है रिप्लेस के लिए। इसके बाद कंट्रोल आई आता है, जो यूज़ होता है इटैलिक करने के लिए, यानी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम लोग कंट्रोल आई यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जे, जस्टिफाई, जिससे हम अलाइन जो हमारा पैराग्राफ का अलाइनमेंट है वो जस्टिफाइड हो जाता है। जस्टिफाइड का मतलब आपका लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली अलाइंड होता है। इसके बाद कंट्रोल के हाइपरलिंकिंग के लिए, यानी जब भी हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, एमएस वर्ड में काम करेंगे तो वहाँ पर हाइपरलिंक अगर आपको बनाना है किसी टेक्स्ट को तो हम कंट्रोल के यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के से हाइपरलिंक को हम ऐड, एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल एल, जो लेफ्ट अलाइन के लिए यूज़ होता है, अगर हमें पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल यूज़ करेंगे। कंट्रोल एम यूज़ होता है इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, यानी पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, बेसिकली हम इसके लिए इंक्रीज इंडेंट यूज़ करते हैं और जब भी आप पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो वो 0.5 इंचेस उसको आगे शिफ्ट करता है, या अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल एम से आपका न्यू स्लाइड इंसर्ट होगा, न्यू स्लाइड इंसर्ट होगा, प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर होगा। कंट्रोल एन जब आप प्रेस करेंगे तो न्यू होगा, यानी न्यू डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो न्यू प्रेजेंटेशन, एक्सेल में काम कर रहे हैं तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाती है आपकी कंट्रोल एन करने से। इसके बाद कंट्रोल ओ आता है, जो होता है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आप बना चुके हैं उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो इससे ओपन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हम जो यूज़ करते हैं कंट्रोल पी, ये प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, इससे हमारा कंट्रोल पी करने से आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल क्यू, जिससे हम किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं, यानी उस पैराग्राफ पर जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, जैसे उसका कलर चेंज करा है, बोल्ड करा है, इटैलिक करा है, अंडरलाइन करा है, वो सारी फॉर्मेटिंग को हम एक साथ ही रिमूव कर सकते हैं बाय द कंट्रोल क्यू। इसके बाद आता है कंट्रोल आर, जिससे हम राइट अलाइन करते हैं, यानी पैराग्राफ जो है आपका राइट साइड पर अलाइंड हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल एस आता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता है बेसिकली। और सेव करते हुए आप सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, अपनी फाइल का नाम जो आप नेम दे रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को या फाइल को, और दूसरा होता है आपका
लोकेशन, किस जगह हम उसको सेव कर रहे हैं जिससे आप उस फाइल को ईजिली ओपन कर सकें। कंट्रोल टी जो बेसिकली यूज़ होता है वो ओपन फॉर्मेट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, यानी टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है जहाँ से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप किसी ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल टी वहाँ पर न्यू टैब ओपन करने के लिए यूटिलाइज़ करा जाता है। कंट्रोल यू यूज़ करते हैं हम लोग अंडरलाइन के लिए, यानी टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है ये। कंट्रोल वी यूज़ करते हैं हम लोग पेस्ट करने के लिए, जब भी आप कट करेंगे या कॉपी करेंगे टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल वी यूज़ करेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू यूज़ होता है क्लोज या एग्जिट डॉक्यूमेंट के लिए, इससे आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद होता है यानी जो एप्लीकेशन है आपकी एज इट इज़ खुली हुई रहती है। जैसे अगर हम ऑल्ट एफ फोर करते हैं तो आपका पूरा एमएस वर्ड बंद हो जाएगा इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट, और कंट्रोल डब्ल्यू करने से सिर्फ आपकी वो फाइल क्लोज होगी, एमएस वर्ड आपका ओपन रहेगा। कंट्रोल एक्स हम यूज़ करते हैं कट के लिए, कट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से हटाकर दूसरी प्लेस पर मूव कराने के लिए हम लोग उसको पहले कट करेंगे और उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे, ऐसे ही कॉपी करने के बाद हम भी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल वाई जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं रीडू के लिए, रीडू करने से पहले मैं आपको अंडू बताऊंगा। कंट्रोल जेड अंडू, यानी कोई भी टास्क आपने कर दिया, कोई शेप बनाया आपने बाई मिस्टेक, वो शेप बन गया है आपसे और उसको वहाँ से हटाना है तो आप अंडू कर देंगे कंट्रोल जेड, यानी जो भी आपने लास्ट टास्क करा है, जो लास्ट एक्शन परफॉर्म करा है वो बैक हो जाता है। और रीडू करने से अगर कोई बाय मिस्टेकली आप किसी चीज़ को डिलीट कर चुके हैं या अंडू कर चुके हैं तो वो लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा, जो भी आपने वहाँ से रिमूव करा है या अंडू करा है उस लास्ट एक्शन को वो रिपीट करता है। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज़ थी ए से लेके जेड तक, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी कीबोर्ड के लिए। और इसके साथ साथ हम एक नया वीडियो और आने वाला है जिसमें आप कीबोर्ड के जो फंक्शन कीज़ होते हैं F1 से लेके F12 तक, उनका यूजेस यानी उनके यूटिलाइजेशन हम उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।